हरदोई में टडियावा विकासखंड के सरदापुर गांव में ग्राम पंचायत अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ग्राम विकास अधिकारी ने ग्राम प्रधान के पुत्र से विकास कार्यों का पैसा निकलवाने के लिए चेक पर हस्ताक्षर करने के बदले में 20,000 रुपए की मांग की थी और DIG श्री आशुतोष कुमार के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है। आज सभी विधिक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए सोमेश मिश्रा ग्राम विकास अधिकारी को पंजाब नेशनल बैंक के सामने रोहित कुमार शिकायतकर्ता से 10,000 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरदोई से आशीष द्विवेदी, पंजाब केसरी TV।